तो आइए आज हम सीखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग, कि बॉडी मेजरमेंट से प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कैसे होता है। आप देख रहे हैं ये इस ब्लाउज का मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं ये कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हम 15 इंच पे रख के एक ऊपर मार्क कर लेंगे, 1 इंच ज़्यादा सिलाई का रख के। और इसका पीछे का गला है 9.5 इंच नीचा, तो ये इसका आमोल है मुंडा, वो 6.5 इंच नीचा रखते हैं अभी हम, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेंगे। इसकी चेस्ट है 35 इंच, तो 35 में कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ना है। 35, 35 इंच का चौथा भाग होता है 9.25, तो एक 9.25 पे मार्किंग कर लेंगे और 1.25 इंच हम अंदर कपड़ा मार्जिन के लिए सिलाई का रखेंगे। इसकी कमर है 31 इंच, तो 31 इंच का चौथा भाग होता है 7.25, तो एक 7.25 पे मार्क कर लेंगे और 1.25 इंच हम मार्जिन का छोड़ेंगे और पीछे टक्स आएगा 1.25 इंच का, तो ये टक्स के लिए 1.25 इंच हमने छोड़ा है। यहाँ से थोड़ा ये क्रॉस जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, ये चेस्ट से कमर तक का एक निशान मिला लेंगे। अभी इसका पीछे का गला 9.5 इंच नीचा है, तो शोल्डर हमको छोटा काटना पड़ेगा। शोल्डर है इसका 15 इंच तीरा, शोल्डर को तीरा भी बोलते हैं हिंदी में, तो तीरा हम रखेंगे। इसका फ्रंट है 11.5 इंच, तो फ्रंट के हिसाब से, फ्रंट यानी कि यहाँ से यहाँ का जो पार्ट होता है वो, तो 11.5 इंच है इसका फ्रंट, तो हम 11.5 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 इंच रख के एक निशान यहाँ लगा लेंगे और यहाँ से ऐसे क्रॉस निशान कर लेंगे और यहाँ से आमोल का राउंड दे देंगे शेप। और यहाँ से हम गला ज़्यादा चौड़ा नहीं काटेंगे, क्योंकि नीचा गला होता है तो ज़्यादा चौड़ा नहीं काटना चाहिए। ज़्यादा गला चौड़ा काटेंगे तो शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम रहेगी। ये 2.25 इंच का हमने कटिंग किया है चौड़ा गला, और यहाँ से थोड़ा क्रॉस दे देंगे। यहाँ से क्रॉस देने का यही कारण है कि शोल्डर नहीं उतरे। यहाँ से पीछे का गला है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से गले का एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से थोड़ा क्रॉस लिया है हमने और फिर यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अभी हम आमोल का नाप ले लेंगे। इसका आमोल है 15 इंच, तो यहाँ से इतना सिलाई का जाएगा, यहाँ से इतना कपड़ा सिलाई का चला जाएगा, और यहाँ से 15 का आधा होता है 7.5 इंच, तो हमको 7.5 इंच चेस्ट का निशान के साथ मिलना चाहिए। एकदम बराबर 7.5 इंच पर ही ये चेस्ट का जो निशान है वो मिल रहा है दोनों, तो ये हमारा आमोल एकदम बराबर है। अभी इसको हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये पीछे का भाग है, इसके बाद हम आगे का भाग कैसे कटिंग करते हैं प्रिंसेस कट वो देखते हैं। प्रिंसेस कटिंग की दो मेथड है, अगर पतले लोग होते हैं तो वो सिंपल मेथड से हो जाता है, और थोड़े मोटे लोग हो तो उसके लिए थोड़ी सी अलग मेथड है। सबसे पहले हम सिंपल मेथड देख लेंगे कि पतले लोग होते हैं तो उसका कैसे कटिंग होता है। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे और यहाँ पीछे एक टक्स का निशान भी आएगा। टक्स का निशान कमर के चौथे भाग से आधा रख के लगाना होता है, तो 31 इंच कमर है तो 7.5 ही चौथा भाग होता है, और 7.5 चौथे भाग का भी आधा होता है 4 इंच में थोड़ा सा कम एक दोरा। और ये हमने 1.25 इंच टक्स का लिया है, ये 1.25, और ये बीच में
पक्ष का निशान आ जाएगा। अगर ऐसे मेजरमेंट लेके समझ में नहीं आए तो यहाँ से ऐसे मोड़ देने का, और यहाँ हमने 1.25 इंच रखा है जो मार्जिन का, वहाँ तक ले जाने का कपड़ा, और यहाँ पे एक निशान लगा लेने का, वो दोनों सेम ही जगह पे निशान आएगा जो भी तरीके से हम करेंगे उससे। अभी आगे का भाग हम कटिंग कर लेंगे इसका। अब हम आगे का भाग कटिंग करेंगे। ये पीछे का भाग है, यहाँ से हमने हुकाई की पट्टी के लिए इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, और यहाँ लंबाई में 1 इंच ज़्यादा लंबा रखना है, प्रिंसेस कट का होगा तो, या फिर टक्स वाला ब्लाउज होता है उसमें भी 1 इंच लंबा रखना पड़ता है, 1.5 इंच जैसा मेजरमेंट हो, लेकिन ये प्रिंसेस कट में 1 इंच अभी रखते हैं हम लंबा, बाकी सब पीछे के माप के हिसाब से ही कटिंग कर लेंगे। और आगे का भाग यहाँ कमर कमर से थोड़ा सा 1/2 इंच जितना ज़्यादा कटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें आगे के भाग में थोड़ा टक्स बड़ा आएगा, इसके लिए कमर से थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है, बाकी सब जगह से सेम टू सेम। यहाँ से भी थोड़ा सा सीधा सेप ले लेंगे हम। अभी इसका गला आगे का है 6.5 इंच नीचा, तो हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पर भी गोल गला कटिंग कर लेंगे। अभी इसको पीछे के भाग को हम साइड में रख देते हैं। अभी आगे के भाग में हम आमोल काटते हैं एकदम सीधा, यहाँ से भी सीधा और यहाँ से भी सीधा, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया आगे का भाग। अब हम यहाँ पहले टक्स का निशान लगा लेंगे कमर पे, जो पीछे के भाग पे लिया है वैसे ही, यहाँ पर भी 4 इंच ले लेंगे कमर का 8वां भाग, 31 इंच कमर है तो 4 इंच में थोड़ा कम होता है, लेकिन हम 4 इंच रख देते हैं, और यहाँ का टक्स थोड़ा बड़ा लेना है। इसको यहाँ से ही मोड़ के देख लेते हैं, और यहाँ 1.25 इंच का हमारा मार्जिन है, तो इतना बड़ा टक्स आएगा आगे के भाग में। पीछे के भाग में थोड़ा छोटा टक्स होता है, आगे के भाग में थोड़ा टक्स हमारा बड़ा है, तो ये टक्स का निशान लगा लेंगे। और ये टक्स कहाँ तक लंबा लेना है वो हमेशा ऊपर से नाप लेते हैं, तो इसमें 10.5 इंच तक लेंगे हम। वो भी आप अगर समझ में नहीं आए तो जब मेजरमेंट लेते हैं तब माप ले लेने का कि कहाँ तक नीचा टक्स आ रहा है, बाकी ज़्यादातर 10 इंच पर होता है, मोटे लोग ज़्यादा होते हैं तो 10.5, और एकदम पतली लड़की होती है तो 9 या 9.5 पे ये टक्स नीचे आता है, तो इसमें हम 10.5 रखेंगे। अभी ये टक्स ऐसे लगने वाला है, और यहाँ से भी एक टक्स आएगा, यहाँ से जो टक्स आएगा उसको यहाँ से ऐसे पकड़ लें कि इसका शेप चेंज ना हो, राउंड सेम टू सेम ही रहे, उसी जगह से पकड़ना है कि शेप जहाँ से चेंज नहीं होता। और ये यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे,
और इसका टक्स तो अंदाजे से ही लेना होता है, ये यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये भी एक टक्स इतना आएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ तक आएगा। तो अब ये दोनों निशानों को, ये और ये निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे, मतलब लेकिन ये यहाँ पे हमारा टक्स लेंगे तो यहाँ पर सिलाई आएगी, तो इतना सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और यहाँ से एक सीधा मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ से हम राउंड लेंगे ऐसे यहाँ तक। मैं दूसरी साइड करके दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा ये जो मार्क है वहाँ से ये यहाँ हमारा टक्स का निशान है, यहाँ इतना कपड़ा छोड़ते हैं और यहाँ पर बिल्कुल कपड़ा नहीं छोड़ना है, यहाँ जहाँ पर निशान है वहीं से ही राउंड लेना है सर, ऐसे राउंड। यहाँ पे इतनी सिलाई जाएगी इसमें, तो इस हिसाब से हम पहले ये दोनों भाग काट लेते हैं। तो ऐसे काटने से ये भाग एकदम बराबर आ गया है, इसको हमें अलग से दूसरी टक्स अलग निकाल के काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला भाग है दोनों का लंबा छोटा है, 1 इंच हमने ये लंबा काटा था, तो सबसे पहले तो इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ ऊपर से बराबर रख कर ये यहाँ जहाँ टक्स लगाने का निशान है वहाँ से इसको बराबर काट लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक तो ये दोनों भाग सेम ही काटने हैं, उसके बाद से थोड़ा क्रॉस काटना है, क्योंकि हम जब साइड सिलाई लगाएंगे तब ये दोनों भाग सेम आने चाहिए, बराबर है। इसका कटिंग ऐसे हो गया है, अभी यहाँ तक टक्स का निशान है तो हमें इसको इसको भी यहाँ से टक्स की सिलाई आने वाली है, तो इतना कपड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के यहाँ से काट देना है पहले तो। ये कटिंग हो गया, उसके बाद अभी हमने यहाँ पे सिलाई का बिल्कुल छोड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम ये दूसरा भाग इसके ऊपर से ही कटिंग करेंगे और फिर मेजरमेंट कर लेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं। अभी इसको ऐसे रखा है, थोड़ा वजन रखना पड़ेगा, तो ये मैं चाबी रख देता हूँ। अब यहाँ आमोल पे हमने बिल्कुल कहीं भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा है, तो यहाँ से ये इस कपड़े नीचे वाले पार्ट का इतना सिलाई के लिए छोड़ेंगे और इसमें भी सिलाई जाएगी, उसका भी सिलाई का इतना कपड़ा छोड़ेंगे, सिलाई का ऊपर से सिलाई का कपड़ा, ये दोनों में दोनों का जो कपड़ा है वो ये एक ही पार्ट में छोड़ देना है। और यहाँ तो हमने एकदम बराबर कटिंग कर लिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा फिर इतना ही राउंड नहीं लेना है, यहाँ जो 1 इंच है तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ा राउंड ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये यहाँ से ऐसे राउंड में ले जाना है और फिर वापस यहाँ पे मिल जाना चाहिए, तो इससे यहाँ पे टक्स का आ जाएगा, टक्स जैसा तो चेस्ट में बराबर हो जाएगा। बाकी सब इसी के माप का काट लेना, सिर्फ यहाँ से ही चेंज करना है ऊपर से, बाकी कहीं से भी चेंज नहीं करना। अगर आपको लगे कि टक्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत है तो यहाँ से ऐसे राउंड ज़्यादा भी ले सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ साइड में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको काट देना है। तो ये हो गया है कटिंग, लेकिन इसको एक बार इसके माप से माप लेने का है कि बराबर आ रहा है कि छोटा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये इतना
यहाँ से हमने कटिंग कर दिया है, लेकिन यहाँ से भी इतना बड़ा है, तो अभी इसको यहाँ पर निशान लगा के यहाँ से सीधा हम कटिंग कर लेंगे। पहले कटिंग नहीं करना है, कटिंग हो जाने के बाद में मैं माप करके कटिंग करेंगे तो ही बराबर आएगा, नहीं तो कभी कम ज़्यादा हो सकता है, कम हो जाए तो फिर हम बढ़ा नहीं सकते इसके लिए। अभी इसको इसके ऊपर ऐसे रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी टक्स आ जाएगा और यहाँ पर भी टक्स का इतना कपड़ा छूट गया है, दोनों साइड टक्स आएगा तो फिटिंग अपने आप बराबर हो जाएगा। ये हुई एक सिंपल मेथड, तो इसी मेथड से हमको कटिंग करना है। और अभी ये आगे के भाग को पीछे के भाग के ऊपर रख के देख लेते हैं कि ये आमोल जो मुंडा है वो एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं। ये ऊपर शोल्डर से बराबर रखना है और इसको यहाँ से बराबर रखना है, और यहाँ देख लेना है कि इतना कपड़ा इसमें सिलाई में जाएगा और इतना कपड़ा इसमें सिलाई में जाएगा, तो ये आमोल यहाँ बराबर हो रहा है, तो ये एकदम बराबर है, ये एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है। और यहाँ से देखना है कि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा एकदम बराबर है आगे का भाग कटिंग। अब हम इसकी बाजू कटिंग कर लेंगे। इसकी बाजू का माप है 3.5 इंच, तो यहाँ पर इतना सिलाई के लिए हम निकाल लेंगे, उसके बाद 3.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे और 1/2 इंच हम सिलाई का छोड़ेंगे, उसका मार्क कर लेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच नीचा उतारेंगे, अगर बाई ज़्यादा लंबी हो तो 3 इंच भी उतार सकते हैं, ये बाई छोटी है तो बाई लूज रखनी पड़ेगी। इसका आमोल है 15 इंच, तो उसका आधा होता है 7.5 इंच, तो यहाँ 7.5 पे एक निशान, और 1.25 इंच हमने पीछे के भाग में मार्जिन छोड़ा है, तो स्लीव्स में भी 1.25 इंच मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। इसकी मोहरी है 12 इंच, तो 6 इंच यहाँ पर आएगा, लेकिन ये ज़्यादा क्रॉस हो जाएगा, तो छोटी बाई में अगर लूज थोड़ी सी हो तो भी चलेगी, तो हम 13 इंच रख देते हैं इसको, और 1.25 इंच यहाँ से मार्जिन का रख देते हैं। अभी इसको यहाँ से मिला लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा जितना मार्जिन में अंदर जाता है उसको तो सीधा ही रखना है, बाकी यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। ये कटिंग में हम इसको कर लेते हैं एकदम बराबर, अगर मार्किंग बराबर नहीं हो उसको कटिंग में सुधार लेना है। और यहाँ पे इतना निशान लगा देना है कि यहाँ से अंदर जाएगा कपड़ा, और ये मिडल का एक निशान लगा लेना है, और यहाँ से आगे का भाग कटिंग कर लेना है ऐसे रख के, डायरेक्ट पीछे के भाग के हिसाब से ये आगे का भाग कटिंग हो गया, बाई में बाजू में। अभी इसको एक बार हम पीछे के भाग के ऊपर रख के मेजरमेंट कर लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ से लेके ऊपर शोल्डर तक ये एकदम बराबर आ रहा है। ये जो बाजू है वो शोल्डर के यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, यहाँ तक रखेंगे तो छोटी पड़ेगी, इसके लिए ये ऊपर तक ही जानी चाहिए। तो ये हो गया है हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।